प्रदेश में किसानों के लिए अग्रसर बलरामपुर चीनी मिल्स इकाइयों द्वारा गन्ने का भुगतान बराबर करने के साथ इस बार भी हैदरगढ़ चीनी मिल्स में पेराई सत्र 2020 व 2021 का शुभारंभ महाप्रबंधक बीके यादव द्वारा विधिवत पूजन अर्चन कर बैलगाड़ी से गन्ना लाकर डीएम डॉक्टर आदर्श सिंह एवं एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी की गरिमामय उपस्थिति में किया गया। नवभारत समाचार लखनऊ उत्तर प्रदेश से जितेंद्र शुक्ला। चालू हो गया है और हम बधाई के पात्र हैं इस चीनी मिल से, क्योंकि मैं भी चेयरमैन थी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी। और यहाँ पे किसानों के लिए विशेष सुविधा भी रखते हैं, जो भी आते हैं अपनी जो भी कमियाँ बताते हैं क्या मुझे ये चाहिए, तो उसको भी ये लोग पूरा करते हैं। मतलब किसानों की समस्या यहाँ पे जो है बराबर कभी नहीं रहती है, बराबर किसानों के हित में जो है चीनी मिल हमेशा आगे रहती है। और पेमेंट के भी उसमें भी ये चीनी मिल सबसे नंबर वन एक पे है। सबसे पहले तो पेराई सत्र 2020-21 के शुभारंभ के शुभ अवसर पर मैं सभी अपने गन्ना किसान भाइयों का, सभी समितियों के चेयरमैन का, जितने भी किसान प्रतिनिधि हैं उनका, और साथ ही साथ डीएम साहब का, डीएम बाराबंकी और कप्तान साहब एसपी साहब का, दोनों लोगों का मैं बड़े हृदय से आभारी हूँ। साथ ही साथ अपने सीओ साहब, सीओ हैदरगढ़ और एसडीएम हैदरगढ़ का भी मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन लोगों ने अपना बड़ा एक कीमती समय निकाल कर चीनी मिल में आए और उनके द्वारा आज चीनी मिल का शुभारम्भ हुआ है। इस शुभ अवसर पर क्षेत्र की जनता के साथ साथ समस्त किसान भाइयों को, अपने पत्रकार बंधुओं को, जो भी लोग इस चीनी मिल से जुड़े हुए हैं, सबको मैं हृदय से बधाई देता हूँ। जहाँ इस समय किसानों की धरने की बात सामने आ रही दिल्ली में, तो चीनी मिल में आज पेराई सत्र का शुभारंभ हुआ, तो ऐसे में कौन सा मतलब एक राहत वाला जो है बड़ा काम जो है चीनी मिल द्वारा किया जाएगा? देखिए, चीनी मिल में कभी मुझे याद नहीं है कि कभी कोई किसानों से संबंधित कोई ऐसी समस्या रहती है। अब जो विशेष समस्या रहती है वो तो रहता है किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान का। हमने पिछले साल का जितना भी गन्ना मूल्य भुगतान था, नियमतः हमने सारा पैसा, एक एक आना पैसा जो भी किसान का बताया था, उनके खाते में भेज दिए हैं। और इस साल भी किसानों का गन्ना मूल्य का भुगतान हम समय से करते रहेंगे, ऐसा हमारा पूरी प्रतिबद्धता है। जैसे कि आप जानते हैं, हैदरगढ़ चीनी मिल में गन्ने की कमी है और हमें इस चीनी मिल की क्षमता के अनुसार गन्ने की पूर्ति करने के लिए सीतापुर और रायबरेली, कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर, सुल्तानपुर जनपदों से गन्ना मंगा करके गन्ने की पेराई करनी पड़ती है। चूँकि दूर दराज से गन्ने का सप्लाई होती है, इस वजह से गन्ने की जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट पड़ती है वो ज़्यादा पड़ता है। हमारी लैंडेड कास्ट गन्ने की लगभग 400 रुपये पर कुंटल आती है, जहाँ पर दूसरी चीनी मिलों की तुलना में अगर देखा जाए तो लगभग 5 से 6 गुना ज़्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने, चूँकि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है बलरामपुर चीनी मिल, अपने नाम से विख्यात है और हमारी एक अपनी रेपुटेशन है उत्तर प्रदेश में, इस वजह से हम लोग अपने बाकी खर्चे को कमी करके करते हुए भी हम लोग किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान का के लिए समय से